सभी को बीएसपी मैथ मिसाल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है, शुरू करते हैं बिना देरी के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। ठीक है चलिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन है दोस्तों, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या हाल में हम लिखेंगे, माना कि कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय, बहुत लंबा है दोस्तों, लगा समय x। ठीक है दोस्तों, फिर है बड़े व्यास वाले, क्या है बड़े व्यास वाले दोस्तों, यही बात, नल से हौज को भरने में लगा समय बराबर x माइनस वाले नल से हौज को भरने में लगा समय x घंटा। ठीक है दोस्तों, x घंटे और बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने लगा समय क्या, x+10 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब कहना क्या चाह रहा है प्रश्नानुसार, क्या होगा दोस्तों प्रश्नानुसार जो होगा दोस्तों, ये दोनों हौज को जो भरेगा एक साथ भरेगा, कैसे भरेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, हम लगाएंगे इसमें एक बटा एक्स और प्लस 1/x+10। अब बराबर हो जाएगा दोस्तों, पूर्णांक तोड़ोगे इसको तो 72 × 3 = 75। ठीक है, मतलब इसको लिखना 9.3 × 8 = 72 × 3 = 75 दोस्तों। फार्मूला बनता है 1 लिख के 75/8, यानी जो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/75/8 को जो लिख सकते हैं, 8 को चला जाएगा तो 8/75 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे 8/75 यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरीका से, ठीक है, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है दोस्तों, बट्टा का जो बनाना है, चलिए क्या, पहले x और x+10 का एलसीएम ले लेंगे, भाग करेंगे इससे तो दोस्तों, जब इससे भाग करेंगे इससे तो बचा क्या x+10, जब इससे भाग कर क्या बचेगा एक्स केवल बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 8/75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 10, यहाँ हो जाएगा 8/75। और दोस्तों यहाँ जो हो जाएगा, गुना करेंगे तो x² + 10x। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, यहाँ पर कैंची गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो लिखोगे 8/75, कैंची गुना लिखोगे तो क्या 75 × 150 हो जाएगा, 75 × 150, या ऐसे लिख दो, इसी को पहले कर दो, 8x². ठीक है दोस्तों, आप प्लस 8 × 80x, 75 × 150 करो तो 150x और 750। ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 8x² तो हो गया प्लस 80x और माइनस 150x और माइनस 750 दोस्तों, x² हो गया प्लस, घटाएंगे तो 80 में से 70, यानी बड़ा कौन है माइनस वाला, तो क्या जाए -70x -750 दोस्तों बराबर 0 हो गया। अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा, आगे देख रहे हैं क्या होगा, देख लीजिए आगे जो होने वाला है, आप देख लीजिए फैक्टर तो ना था, सिर्फ दो कॉमन ही लेता हूँ, पहले दो कॉमन ले लो, तो 2 × 8x² और -35x और -375 दोस्तों, आता कैसे है देखो, 2 से भाग किया गया सभी में, ठीक है, और इस 2 से जब यहाँ भाग करोगे तो बचेगा क्या दोस्तों, 4x² - 35x और -375 = 0। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, 0 के नीचे भाग करें तो 0 हो जाए। ठीक है दोस्तों, आए देखो जब उसको गुना करेंगे, 4 × 375 तो 1500 आया, कितना आएगा, 1500 लाने का 2 तरीका है। ठीक है, 1500 आया कैसे, तो 375 में गुना करके 4 से 1500 लाया गया। ठीक है दोस्तों, इसको लाने के लिए 2 तरीका है, देखिए 65 लाना है तो मान लीजिए 25 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और गुना करेंगे तो 1500 आ जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका हुआ, एक तरीका है गुणनखंड विधि से, जब आप इसको आप तोड़ेंगे, तोड़ते जाइए
देखिए, दस चार दिन बारह, बारह पंचायत साठ, पचास पच्चीस, घटा लीजिए पैंतीस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना समझिएगा अपने हिसाब से, आपको जिस तरह समझ में आ जाए, फैक्टर जोन विधि में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, चार सौ ग्यारह लाना है माइनस में, तो माइनस लाना, जो प्लस छोटा वाला प्लस कर दो, प्लस पच्चीस एक्स और माइनस साठ एक्स माइनस तीन सौ पचहत्तर बराबर जीरो। अब चार से तो कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ क्या केवल एक्स कॉमन आएगा, क्या आएगा एक्स, तो चार एक्स प्लस पच्चीस और यहाँ कॉमन आएगा माइनस, कितना ले लेंगे पंद्रह, तो चार एक्स माइनस पच्चीस बराबर जीरो। ठीक है दोस्तों, इतना आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एक्स माइनस पंद्रह इंटू क्या लिखेंगे, चार एक्स प्लस पच्चीस बराबर जीरो। तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस पंद्रह बराबर जीरो या चार एक्स प्लस पच्चीस बराबर जीरो, या हो जाएगा एक्स बराबर प्लस पंद्रह, या हो जाएगा चार एक्स बराबर पच्चीस माइनस में, ठीक है, या एक्स बराबर माइनस पच्चीस बट्टा चार। दोस्तों आता एक्स का मान प्लस, दोस्तों आपको पता है कि एक्स का मान कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम क्या लेंगे प्लस वाला वैल्यू लेंगे, पच्चीस पंद्रह आ गया, या लिखने थोड़ा मिस्टेक था, बड़े व्यास वाले नल को वज को भरने में लगा साइन एक्स होगा और छोटे व्यास वाले नल को क्या एक्स प्लस दस होगा। ठीक है दोस्तों, अतः जो होगा यहाँ पर इतना सही कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बड़े नल वाला जो व्यास है, शॉर्ट में लिखता हूँ, बड़े नल वाला व्यास, बड़े नल वाला व्यास को, व्यास को भरने में लगा समय, पूरा बात नहीं लिखा, ठीक है, लगा समय दोस्तों दस पंद्रह घंटे, क्या घंटे, तो छोटा छोटे वाला नल को जो है वाजे ज़्यादा लगेगा, तो कितना पंद्रह प्लस दस यानी पच्चीस घंटे। दोस्तों पच्चीस घंटे आंसर हुआ, आंसर दोस्तों हो जाएगा पंद्रह पच्चीस घंटे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख लीजिएगा छोटे नल वाला व्यास को भरने में, या तो अपना हिसाब से लिख लीजिएगा, थोड़ा लंबा हो जाता है लिखने में, कि छोटे व्यास वाले जो है नल उसको भरने में, हौज को भरने में लगेगा समय वो पच्चीस घंटा लगेगा, बड़े वाला को पंद्रह घंटा लगेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और आप इस चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मैसेज जरूर कीजिए दोस्तों।